भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया ताकि वह निष्पक्ष तरीके से अपना निर्णय दे सके। किसी भी समस्या के समाधान के लिए लोग कोर्ट जाते हैं, परंतु यदि किसी घटना से कई लोग प्रभावित हों तो उसे जनहित कहा जाता है। सामूहिक विषय पर यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करता है तो उसे जनहित याचिका PIL कहते हैं। जब किसी को लगता है कि आसपास में घटित होने वाली घटनाएं मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं या सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों से कई लोगों को हानि हो रही है, तो उसे प्रतिबंधित करने हेतु तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा तत्काल सुनवाई करके कार्रवाई की जाती है। यदि किसी विषय पर समाचार पत्रों या न्यूज चैनलों पर प्रमुखता से दिखाया जाता है, परंतु किसी व्यक्ति द्वारा भय के कारण न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाती है। इसे भी जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका आप कहाँ दाखिल कर सकते हैं, इसके संदर्भ में आपको जानना जरूरी है। जनहित याचिका को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल किया जा सकता है। इससे निचले स्तर पर इसे दाखिल नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आपको इसे हाई कोर्ट में ही दाखिल करना होता है। यदि किसी व्यापक मुद्दे पर जनहित प्रभावित हो रहा है तो इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। याचिका जनहित है या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय ही करता है। याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है? जनहित याचिका दो तरह से दाखिल की जा सकती है, पहला पत्र के माध्यम से, दूसरा अधिवक्ता के माध्यम से। अगर आप पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास के घटनाक्रम में कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते हैं। लेटर में इसके लिए कुछ सबूत भी देने होंगे। इसके बाद उस लेटर को जनहित याचिका में परिवर्तित करके सुनवाई की जाती है। कोर्ट संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके कोर्ट में पेश होने का आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है। याचिकाकर्ता के पास यदि वकील नहीं होता है तो कोर्ट उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। अगर आप अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं तो यह ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। अधिवक्ता सही तरीके से ड्राफ्टिंग करके कोर्ट के काउंटर पर याचिका को दाखिल कर देता है। इसके लिए बहुत मामूली फीस लगती है, परंतु आप जिस वकील के माध्यम से इस याचिका को दाखिल करेंगे आपको उसकी फीस देनी होगी। ये थी संक्षिप्त जानकारी जनहित याचिका के संदर्भ में। इसको लेकर आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।